पिछले एपिसोड में आपने देखा जो हमारा क्रिलिन है उसने फाउंड कर लिया था डॉक्टर ज़ेरो का लैब और वेजिटा ने उसका गेट उड़ा दिया था ज़ेरो के लैब का। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है गोकूज असैसिन और एपिसोड की शुरुआत होती है जो अपना वेजिटा है वो अपनी पावर मारता है उस गेट के ऊपर जो कि डॉक्टर ज़ेरो की लैब का गेट है और वो टूट जाता है और वो आमने सामने देखते हैं कुछ बंदे खड़े हुए होते हैं और वेजिटा बोलता है अच्छा तो ये है एक खूबसूरत लड़की 18 और एक खूबसूरत जवान लड़का 17 और वो एक दूसरे को देखते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर क्या तुम इन्हीं की बात कर रहे हो। और जो डॉक्टर ज़ेरो होता है वो कहता है जाओ इनके ऊपर अटैक करो। जो 18 होती है उसे मना कर देती है मैं अटैक क्यों करूँ। और जो डॉक्टर ज़ेरो है वो कहता है कि हम मैंने तुम्हें बनाया है तुम ये कैसी बात कर रहे हो तुम मेरी बात मानो फटाफट जाओ और उनके ऊपर अटैक करो। और फिर जो डॉक्टर ज़ेरो है वो रिमोट को देखता है और कहता है कि अरे यार इन्होंने ये पहले ही तोड़ दिया। और फिर जो 18 है वो चलती हुई जाती है और रिमोट के ऊपर पैर रखती है और जाकर खड़ी हो जाती है एक बॉक्स के पास जिस पे लिखा हुआ होता है 16 उसमें एक और एंड्रॉयड पड़ा हुआ होता है। टर्म्स कहता है क्या एक और एंड्रॉयड और वो सब देखकर चौंकने लगते हैं। तभी जो 18 है वो कहते हैं तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं निकाला इसे भी बाहर निकालो ये भी पूरा हो गया है। और तभी जो 20 होता है डॉक्टर ज़ेरो वो उन्हें मना करता है और 18 उसे निकालने की कोशिश करती है तो डॉक्टर ज़ेरो जाता है और हाथ पकड़ लेता है 18 का और 18 कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की और उसे पीछे धक्का दे देती है और घूम कर जाकर उस बॉक्स के दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। और जो 17 होता है वो अपनी आंखों से प्रोसेसिंग चेक करता है वो देखता है कि काफ़ी सारा हो गया है पर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ये 16। और फिर जो डॉक्टर ज़ेरो है वो कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी जो 18 होती है बटन दबा देती है उस मशीन का और उस मशीन का बटन दबने के बाद वो प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है। और जो 20 होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी जो 17 होता है उसके पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है और वो कहता है तुम ना अकल। और फिर 17 को गुस्सा आता है और डॉक्टर ज़ेरो की गर्दन पर लात मारता है उसकी गर्दन टूट जाती है और दूर जाकर गिरते और कहता है कि तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। और 17 को ये सुनकर गुस्सा आता है और उसकी टूटी हुई गर्दन के ऊपर भी लात रखकर उसे तोड़ देता है। और फिर जो 17 होता है वो क्रिलिन को बुलाता है यहाँ आओ। जो क्रिलिन है उसके पास जाने से डरने लगता है वो कहता है आओ ना। और फिर क्रिलिन डरता जाता है और वेजिटा कहता है तुम डर क्यों रही हो जाओ जल्दी। वो क्रिलिन उसके पास जाता है और वो उठकर पीछे चला जाता है। तभी जो ट्रंक्स होता है उसे गुस्सा आ जाता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो अपना की ब्लास्ट मारता है बहुत ही खतरनाक हमला करता है और पूरी गुफा को उड़ा देता है। और वो देखते हैं जो 17 और 18 है वो उस बॉक्स को जिसके अंदर 16 है उसे उठाकर ले आए हैं और पहाड़ पर खड़े हैं। और वेजिटा उसे बोलता है कि तुमने ये क्या किया। 16 होता है वो अंदर पड़ा हुआ होता है और 17 उसकी मशीन का बटन दबा देती है। जैसे ही गेट खुल रहा होता है जो 18 होती है वो लात मारती है उसके ढक्कन पर जो दूर जाकर गिरता है और 16 की आंखें खुलती है वो बिल्कुल लाल होती है और 16 अपने बॉक्स से खड़ा होता है और खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगता है। मतलब जो 17 है और 18 है वो तो सेम एक जैसे है और जो 16 है वो उनसे बिल्कुल ही अलग है और वो ये सब देखकर हल्के से चौंक जाते हैं टंक्स वगैरह। और फिर जो 16 होता है वो चुपचाप खड़ा रहता है और उसका वेलकम करते हैं 17 और 18। जो 16 होता है वो इधर उधर थोड़ा देखने लगता है और उसे थोड़ी सी चिड़िया वगैरह की आवाज़ आने लगती है। और जो 16 होता है वो कुछ भी नहीं बोलता वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है और वो उन्हें बताता है 18 कि अरे यार क्या तुम्हें भी गोकू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है हमें गोकू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है चलो चलते हैं। और वो तीनों उड़ते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। वो जो वेजिटा है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं ये हमसे लड़ क्यों नहीं रहे। और जो बाकी सब है वो चैन की राहत लेते हैं कि कहाँ सही हुआ यार वो चले गए मुझे वो बहुत ताकतवर लग रहे थे। और वेजिटा को ये अपनी बेइज्जती लगती है कि वेजिटा यहाँ था एक सुपर सैयन जो कि प्रिंस का राजकुमार है और वो यहाँ से चले गए बिना उससे लड़े। जो वेजिटा होता है सुपर सैयन बनता है और उनके पीछे जाने लगता है। इतने में ट्रंक्स उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है
जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं सुपर सैयन हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। जो वेजिटा है वो कहता है, जो ट्रंक्स है वो कहता है कि हे वेजिटा रुको, तुम आ नहीं जा सकते, हमें क्या करोट की गोकू के आने का इंतजार करना होगा, इतना वो नहीं आता ठीक नहीं होता, इतना हम उन पर हमला नहीं करेंगे। तभी जो वेजिटा होता है ट्रंक्स के पेट में मुक्का मारता है और वहाँ से निकल लेता है। जो ट्रंक्स होता है वो नॉर्मल फॉर्म में होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ट्रंक्स कहता है कि हे प्लीज़ उसे रोको। तो क्रिलिन कहता है कि अब तक तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया होगा। फिर अगला सीन शूट होता है, ये होता है याजुरोबी का, जो कि अपना रुमाल धो रहा होता है और जो बुलमा है वो कहती है हे जल्दी उसे लेकर आओ, मुझे डायपर बनाना है ट्रंक्स का। मतलब ट्रंक्स को हवा में उठाती है और उससे खेलने लगती है और कहती है कि हे तुम किस बड़े होकर कितने प्यारे हो जाओगे। और फिर तभी पीछे से गोहान आ जाता है। गोहान कहता है कि काश उन्हें मेरी जरूरत ना पड़ रही हो, मेरे डेड घर पर कैसे होगे। फिर हमें चीची का सीन दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही होती है और सोच रही होती है कि अगर गोकू ठीक होता तो क्या कहता है, चीची मुझे बहुत भूख लगी है जल्दी से खाना ले आओ। और फिर तभी जो गोकू है जोर से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है और चीची उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है हे गोकू प्लीज़ ठीक हो जाओ। जो फिर यामचा है, यामचा अपने हाथ में वो एंटीडोट लेता है और उसकी एक पिल्स निकालता है और उसकी एक पिल्स खिलाता है अपने गोकू को और बताता है कि अरे इससे बहुत आराम हो रहा है, भले धीरे ही सही पर गोकू ठीक तो हो रहा है। जो चीची होती है वो कहती है पर तुम ही गोकू लेकर यहाँ क्यों आए, गोहान भी तो आ सकता था। तो वो यामचा उसे बताता है अरे यार हम दोस्त हैं ना, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ और वैसे भी मैं उनमें सबसे कमज़ोर हूँ, इस वजह से ले आया। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है, जो 17, 18 और 16 होते हैं वो एक सड़क पर लैंड होते हैं और आकर उतर जाते हैं और पहाड़ों को देखने लगते हैं। जो 16 है उसे फिर से चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है और वो चिड़ियों को देख रहा होता है। और फिर जो 17 है वो कहता है कि अरे 16 तुम कुछ बोल नहीं रहे, क्या तुम्हें भी गोकू को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो कहता है हाँ शायद सेम ऐसे ही है। और जो 17 है वो सोचने लगता है कि इसमें कुछ अलग बात है, ये हमसे बिल्कुल ही अलग है 16। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है वेजिटा और वेजिटा कहता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझसे भी ना लड़े। वो कहते हैं क्या हम तुमसे क्यों लड़े। वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ सबसे ताकतवर हूँ, जितने भी यहाँ इंसान रहते हैं मुझसे ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं है। तो फिर तभी 17 बोलता है इसका मतलब तुम गोकू जैसे हो। वो कहता है हाँ और मैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लड़ो। तभी जो 18 होती है वो हुक्म देती है 16 को 16 जाओ लड़ो। जो 16 है वो लड़ने से मना कर देता है और जो 18 है वो कहती है चलो कोई बात नहीं अब मुझे ही लड़ना होगा। और जो 18 है वो लड़ने के लिए आगे जाती है और जो वेजिटा है वो कहता है कि हे लेडीज इज फर्स्ट कोई बात नहीं पर मैं तुम पर रहम नहीं करूँगा समझे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में कल दोपहर 12 बजे और आज शाम 6 बजे, तब तक के लिए